क्या कहेंगे साहब अपने जो 2024 में अभी जो इलेक्शन होने वाला है इसमें क्या बदलाव होने वाला है? बहुत बदलाव होने, राहुल जी के आने से बदलाव तय है और देश भी बदलाव चाहता है। आज आज देश बदलाव चाहता है क्योंकि इस 10 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है देश कहीं ना कहीं पीछे की ओर गया है। आप विकास का मुद्दा ले लो, रोजगार का मुद्दा ले लो, बेरोजगारी आज उस स्तर पे पहुंच गई है। आज ये 80 करोड़ लोगों को ये राशन देने की बात कर रहे हैं कि हम 80,000 लोगों को घर घर राशन दे रहे हैं, 80,000 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये 80,000 करोड़ लोगों को गरीब बना दिए, ये 80,000 करोड़ लोगों को गरीब बना दिए है। देश आज 80,000 करोड़ पीछे जा चुका है। आज आज आप आज से 10 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। 65 रुपए का पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपया पार है। डीजल 55 रुपए का था, आज 100 रुपया पार है। ये सब चीज पूरा देश देख रहा है। और आज जो गोदी मीडिया है, जो आज गोदी मीडिया है, जो देश की बातों को जो हमारे राहुल जी बात रख रहे और लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, इसकी वजह से हमारे राहुल जी पिछले साल 4,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद आज फिर जो है 6,200 किलोमीटर का पद न्याय यात्रा लेके निकले हुए, वो अंतिम पड़ाव पे है, बॉम्बे अंतिम पड़ाव है, मणिपुर से लेके बॉम्बे तक पहुंचे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ वर्गलाने का काम हो रहा है, जुमले की सरकार है, इसको बदलने की जरूरत है। संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। और ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं, विकास की कहीं बात होती है। मोदी सरकार का सारा है कि इस बार 400 पार, इसके बारे में आप क्या? इस बार 400 पार नहीं है, 200 पार हो तो बड़ी बात है। आज ईवीएम को लेके जब मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल है मेरा भाजपा वालों से कि अगर भाजपा वाकई में ईमानदारी से इलेक्शन जीत रही है तो आम जनता जो आज रस्ते पे उतर के ईवीएम की बात कर रही है, तो मैं अगर सच हूँ तो मान लेते ना बैलेट पेपर पे। आज से पहले बैलेट पेपर पे होता ही था ना इलेक्शन, हम क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे? इसका मतलब है कहीं ना कहीं मन में खोट है, कहीं ना कहीं बेईमानी है, इसलिए ये सब चल रहा है। आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आवाम को मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि राहुल जी हमारे शहर के अंदर आ रहे, और आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर जो है उठ के आज उमड़ा हुआ है, एक त्योहार के जैसा ये इस ये इवेंट को देख रहा है। और भिवंडी शहर तो खासतौर से बदलाव चाहता है क्योंकि यहाँ पे सौतेला व्यवहार हमेशा हुआ, यहाँ पे भिवंडी शहर के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। आप यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे चले जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि एक अच्छे शहर में आ गए, और आप भिवंडी में आ जाओ तो आपको लगेगा कि पता नहीं कौन से जंगल में चले गए। ये फर्क है। जो यहाँ के नवनिर्वाचित मंत्री हैं, उनके होते हुए जो बाहर के सांसद हैं और मंत्री हैं, उनके होते हुए विकास क्यों नहीं? ये तो भाजपा वाले ही बताएंगे, जुमले की सरकार है। मैंने पहले भी बोला, अभी थोड़े दिन पहले एक मीडिया पे एक बातें वायरल हो रही थी कि 35,000 करोड़ हम लोगों ने लाए है। अब 35,000 करोड़ रुपया अगर हम अपने विधानसभा में या लोकसभा में लगाएंगे तो वो कैसा होगा, वो कैसा होगा? एक अच्छी सिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? कहीं दिख रहा है आपको? तो इससे क्या साबित हो रहा है? कहीं ना कहीं मोदी जी 15 लाख रुपया लोगों के खाते में डालने की बात की थी, डाली क्या? नहीं डाली। इसी तरीके से ये जुमले की सरकार है, जुमलेबाजी करते हैं, जुमले की सरकार है 100% हम मानते हैं, और ये जुमले की सरकार है, और आपको भी मानना पड़ेगा ये बात।